हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये जो लैपटॉप है आज मेरे पास, जिसके ऊपर मैं बहुत ही इंटेंस तरीके की टेस्टिंग करने वाला हूँ, लगभग 3.5-4 घंटे मैंने इसके ऊपर गेमिंग करी है, तो बहुत सारी चीजें करी है, थर्मल्स वगैरह सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये लैपटॉप है लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। इसे हमें भेजा है रिव्यू करने के लिए कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड स्टोर वालों ने, जिनकी स्टोर सिचुएटेड है SP रोड बैंगलोर में। इस स्टोर की कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से चेकआउट करें। आपको इस स्टोर में लगभग सारे ही ब्रांड के लैपटॉप्स मिल जाएंगे एंड इनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी बढ़िया है। सो फटाफट से करते है इस वीडियो को शुरू। एंड इस लैपटॉप के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। अपार्ट फ्रॉम की इन डिटेल आपको मैं परफॉर्मेंस, थर्मल्स वगैरह कैसे है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड एक आपको मैं यहाँ पे पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी लैपटॉप ले रहे हो, चाहे मोबाइल फोन, मतलब बेसिकली जो भी ऐसे बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट वाली इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, उन्हें एटलीस्ट एक बार जाओ स्टोर्स वगैरह में या फिर शोरूम वगैरह में, उन्हें एक बार देख के आ जाओ। एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन वाला मॉडल शायद आपको ना मिले, बट लगभग उससे मिलता जुलता आपको लैपटॉप बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे। डिस्प्ले यूनिट्स वगैरह होती है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लो, मैं भी आपको कितना भी बता दूं, कितना भी समझा लो, बट स्टिल पर्सनली आई वुड से कि आप एक बार एटलीस्ट स्टोर में जाके लैपटॉप को खुद फील करो, देखो कैसी है बिल्ड क्वालिटी वगैरह, दैट विल बी मच बेटर। ऑल्सो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर लेनोवो लीजन 5 4600H। तो बिल्ड क्वालिटी, लुक्स वगैरह डेफिनेटली लेनोवो लीजन के पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, एंड बिल्ड क्वालिटी है बढ़िया लेनोवो लीजन की आइडियापैड गेमिंग 3 के कंपैरिजन में। बट अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड वगैरह के ऊपर आप कुछ भी टाइप करते हो, तो दोनों का कीबोर्ड एग्जैक्टली सेम है। मैंने साइड बाई साइड रख के इनके सारे कीज को कंपेयर करा है, कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता है। टचपैड थोड़ा सा डेफिनेटली आइडियापैड गेमिंग 3 का बड़ा है लीजन के कंपैरिजन में, बट स्टिल आई वुड प्रीफर लेनोवो लीजन टचपैड ओवर आइडियापैड गेमिंग 3। एंड बाकी एक और चीज, डिस्प्ले के मामले में साइड बाई साइड जब मैंने इन दोनों ही पैनल्स को कंपेयर करा, तो जो ब्राइटनेस लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की थी वो थोड़ी सी कम लगी मुझे, ऑल्दो दोनों के जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है दैट इज 250 nits। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज आई एम टोटली सेटिस्फाइड, कोई इश्यूज नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है जिस प्राइस पे ये लैपटॉप आता है। सो ये रहे इस पर्टिकुलर मॉडल के सारे स्पेसिफिकेशंस। राइजन 5600H 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, GTX 1650 ग्राफिक कार्ड 4GB वाला। आई डेफिनेटली अग्री कि ये जीपीयू बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है एंड इसे 2022 में लेना तो चाहिए ही नहीं। लेकिन यार उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिनका बजट ज्यादा से ज्यादा 60,000 rupees है, उससे आगे नहीं जा सकते, तो ये लैपटॉप आई वुड से की बेस्ट ऑप्शन है। अब आप MSI के लैपटॉप को मत लेके आ जाना, इंटेल i5 10500H वाला मॉडल। सो डायरेक्टली बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। सबसे पहले मैंने Cinebench R23 टेस्ट को रन करा था। बैलेंस्ड थर्मल बोर्ड पे मल्टी कोर स्कोर था 9018 एंड सिंगल कोर स्कोर था 1320, बट परफॉर्मेंस थर्मल मोड पे मल्टी कोर स्कोर आया था 9498 एंड सिंगल कोर स्कोर था 1360। तो ये प्रोसेसर इंटेल i5 11400H के कंपैरिजन में सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल का सीपीयू 5% तक बेटर परफॉर्मेंस देगा एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। एंड अगर हम बात करें जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज लेनोवो लीजन 5 4600H, तो उस सीपीयू के कंपैरिजन में भी राइजन 5600H इस लैपटॉप आइडियापैड गेमिंग 3 में मिनिमम 15% तक आपको ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, चाहे आप बात करो सिंगल कोर की या फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस की। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर ऐसे कुछ काम के लिए लैपटॉप को लेना है, तो जितने भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है वो लगभग 1080p 60fps पे मैंने एडिट करे हैं। बहुत सारे लेयर्स वगैरह भी मैं ऐड करते रहता हूँ। ऑल्सो कुछ 4K वीडियोस भी है जो कि 30fps पे मैंने एडिट करे हैं, तो वो सारे वीडियोस लेनोवो लीजन 5 4600H GTX 1650 के ऊपर ही एडिट करे गए थे। सो नो डाउट ये जो लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप है, ये एटलीस्ट 10% आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा लेनोवो लीजन 4600H के कंपैरिजन में। तो इस लैपटॉप में मैंने कंटिन्यूअसली 3.5 से 4 घंटे तक नॉन स्टॉप गेमिंग करी है एंड कुछ फैक्टर्स आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। थर्मल मोड जो था इस लैपटॉप को, दैट वाज सेट टू परफॉर्मेंस मोड। बैटरी कंजर्वेशन मोड पे थी एंड रूम टेम्परेचर मेंटेन करा गया था 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे पहला गेम वैलोरेंट, जो कि मैंने लगभग 1 घंटे के लिए खेला है, एवरेज FPS मिले थे 120 एंड ग्राफिक क्वालिटी सेट करी हुई थी मैक्सिमम पे 1080p रेजोल्यूशन। एंड पूरे 1 घंटे के इस वैलोरेंट गेम प्ले के दौरान मैक्सिमम CPU टेम्परेचर गए थे 76-77 डिग्री, बट ज्यादातर 74-75 डिग्री के आसपास थे एंड GPU टेम्परेचर वेरी कर रहा था 62 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, दैट इज शैडो ऑफ द टूम रेडर। हाई सेटिंग्स पे 1080p रेजोल्यूशन, एवरेज FPS मिले थे 62 एंड इस गेम को मैंने 45 मिनट्स के लिए प्ले करा था। सो इस गेम प्ले के दौरान CPU टेम्परेचर यूजुअली रहे थे 73 डिग्री से लेकर 78-79 डिग्री तक मैक्सिमम एंड GPU टेम्परेचर थे 69 डिग्री से लेकर 72-73 डिग्री तक।
एंड 40-45 मिनट्स के गेम प्ले के बाद मैंने हाई सेटिंग्स में बेंचमार्क टेस्ट को भी इसी गेम के ऊपर रन करा था। सीपीयू टेम्परेचर मैक्सिमम एक आध बार टच हुआ था 83-84 डिग्री एंड जीपीयू टेम्परेचर गया था मैक्सिमम 75 डिग्री सेल्सियस। सो अगला गेम है GTA 5 एंड ये गेम वैसे इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है तो टेम्परेचर इतने ज्यादा जाते भी नहीं है। मैंने 3-4 बार इसके ऊपर बेंचमार्क टेस्ट को रन करा था तो वेरी हाई सेटिंग्स में सीपीयू टेम्परेचर्स थे 75 से लेकर 79 डिग्री सेल्सियस, जीपीयू टेम्परेचर्स गए थे 65 से 70 डिग्री एंड एवरेज फ्रेम रेट मिले थे 70 से 80। सेकंड टाइम बेंचमार्क को रन करा था हाई सेटिंग्स पे एंड वहां पे भी जो थर्मल्स थे वो लगभग सेम ही थे, 1-8 डिग्री का ऊपर नीचे फर्क होगा दैट्स ऑल एंड फ्रेम रेट में थोड़ा सा बूस्ट मिला था दैट इज 75 से 90, कभी कभार 100 भी टच कर जा रहे थे। सो अगला गेम है कंट्रोल एंड यहाँ पे रेंडर रेजोल्यूशन था 1080p एंड ग्राफिक क्वालिटी जो डिफॉल्ट मीडियम प्रीसेट था उसी के ऊपर था। एवरेज FPS मिले थे 40 से 45। मिनिमम 1 घंटे के लिए मैंने इस गेम को प्ले करा था। एवरेज CPU टेम्परेचर थे 75 से 78 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम सिर्फ एक ही बार बीच में टच करा था 81 डिग्री सेल्सियस। GPU टेम्परेचर वेरी करा था 72 से 74 डिग्री तक। एंड फाइनली इस टेस्टिंग का आखिरी गेम COD Warzone। तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रीसेट जो आता है 1080p रेजोल्यूशन पे उसी के ऊपर मैंने प्ले करा था, कोई भी छेड़खानी नहीं करी थी। CPU टेम्परेचर्स यहाँ पे थोड़े से ज्यादा थे सो 30 से 45 मिनट्स तक मैंने गेम को प्ले करा था एंड CPU टेम्परेचर्स वेरी करे थे 80 से 88 डिग्रीज के बीच में, GPU टेम्परेचर्स गए थे 71 से 74 डिग्रीज तक। एवरेज FPS मिले थे 65-70 के आसपास। सो आई होप कि अब तक आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो चुके होंगे कि इस लैपटॉप के थर्मल्स बढ़िया है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी ये थर्मल सिस्टम इस लैपटॉप एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो यार डेफिनेटली मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट 50-55,000 रुपीज तक है तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई GTX 1650 बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, लेकिन क्या करें अगर आपका बजट 60,000 तक है तो RTX 3050 आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड अगर आप Lenovo के ऑफिशियल साइट से परचेस करते हो तो कुछ कूपन कोड्स एंड बैंक ऑफर्स वगैरह रन होते रहते तो कभी कभार ये लैपटॉप 52-53 का भी मिल जाता है। तो कूपन कोड्स एंड लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। किसी भी लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स एंड कॉन्स होती है, तो यहाँ पे मुझे 3 ऐसी चीजें जो कि मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। दैट इज सबसे पहले इस लैपटॉप में जो बैटरी कैपेसिटी है दैट इज जस्ट 45 वाट आवर एंड ऑन एवरेज यूसेज मैक्सिमम आपको 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा दैट्स ऑल। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही USB 3.0 वाले पोर्ट मिलते हैं एंड आखिरी चीज ब्राइटनेस जो इस लैपटॉप की है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे है। बेसिकली जो भी लैपटॉप्स अभी मार्केट में अवेलेबल है लगभग सारे लैपटॉप्स के जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है दैट इज 250 nits, तो ये भी लैपटॉप 250 nits की ब्राइटनेस के साथ ही आता है ऑन पेपर, लेकिन ऐसे रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना तो हल्की सी मुझे इस लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है बाकी कंपटीशन से थोड़ी सी लोअर साइड पे लगी। एंड ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्स वगैरह इस लैपटॉप के बारे में बताया है दो आर टोटली नेग्लिजिबल, ये मैटर नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस वगैरह आपको काफी बढ़िया मिलेगा, थर्मल्स भी इस लैपटॉप के अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यस डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक देम आउट। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।